हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ एमटीएस और आपन का हविलदार पोस्ट रो वैकेंसी बाहरी। यही पोस्ट को अप्लाई करने पे कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, यही पोस्ट को आपन केबे ठो अप्लाई कर पारिबे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपन कौन रहइबो, डिटेल्स रे विषय में आपन को कहबी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल नुवा अछंती, ए चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु ए पोस्ट बिषय डिटेल्स जानिबा। फ्रेंड, ये जो देखते e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशा रा वेबसाइट रही, वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपना से वेबसाइट पहुँच पारे। नचे आप गूगल में सर्च करेंगे e-niyukti.in, जो वेबसाइट आप प्रथम आसो से क्लिक करेंगे अपना से पोस्ट में पहुँच पारे। ये आप शो कर एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 डिफिशन शो कर यही पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। मिड एग्जाम पीरियड आप कौन रहेंगे, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। एठे आप रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आर पर क्लिक करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। रीजन वाइज वैकेंसी भी आपड़ी चेकआउट करेंगे। एट रहा तरह ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी तरफ आपंकर 30/6/2023 आप ऑफिशियल रही। ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट होती 30/6/2023 स्टार्ट होती, लास्ट डेट रोक 21/7/2023 रोक। जब ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चैनल आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाए कमी आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई टाइम जब आप किसी भूलभाल कहते मोडिफाई कराऊँ, मोडिफाई आपंकर विंडो खोल, करेक्शन आप विंडो खोल 26/2023 28/2023 एडिट करें, आप्लिकेसन एडिट करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामेशन आप सेप्टेम्बर 2023 आप एग्जाम एमटीएस पोस्ट पे जो वैकेंसी रही 1198 पोस्ट वैकेंसी रही। हविलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 308 पोस्ट आप वैकेंसी रखा जाए। काउंट हम 1/8/2023 सुधा आप एज लिमिटा काउंट कर। एज लिमिट आप रखाई 18-25 वर्ष एज लिमिट रखाई। आप जन्म होता दरकार 2/8/1998 1/8/2005 भितर आप जन्म होता दरकार। को पोस्ट पे ना एमटीएस एंड हविलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट पे आप एज लिमिट आप रखाई। जदि आपर हविलदार इन सीबीआईसी एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्ट आप जो रही एज लिमिट रखाई 18-27 वर्ष एज लिमिट रखाई। आप जन्म होता दरकार 2/8/1996 1/8/2005 भितर आप जन्म होता दरकार। दुटा आप एज लिमिट आप रखाई आप चेकआउट करेंगे। जदि आप एससी एसटी कैटेगरी बिलंगस करते हैं 5 वर्ष एज लिमिट मिल जाए, ओबीसी 3 वर्ष, पीडब्ल्यू अनरिजर्व 10 वर्ष, ओबीसी 13 वर्ष, आउ एससी एसटी आप 15 वर्ष एज लिमिट मिल जाए, एक्सटेंशन देते 3 वर्ष आप एज लिमिट मिल जाए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखाई पोस्ट को अप्लाई करने एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन कौन दरकार देखिए। जहाँ आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही 1/8/2023 सुधा आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप पास आउट हो दरकार। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और रिक्वायर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट इज 1/8/2023 1/8/2023 सुधा आप 10th पास कर दरकार। आप 10th पास कर पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे। केमी आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई आप देखिए जब ऑनलाइन लिंक एक्टिव हम यही चैनल आपको डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाए। आप जो फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप जो अपलोड करेंगे आप जेपीजी फॉर्मेट रही होगा दरकार। 20 KB-50 KB आप फॉर्मेट साइज रहा फोटोग्राफ साइज रहा दरकार। से फोटोग्राफ आपंकर 3 मास ओल्ड होता दरकार। आप्लिकेसन फी जो रखाई 100 टाँचा आप्लिकेसन फी रखाई। जदि आप वोमेन्स कैंडिडेट कि आपंकर एससी एसटी कि पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं आप फ्री में अप्लाई करेंगे। अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट 100 टाँचा आप्लिकेसन फी रखा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आप सेंटर रहो एग्जाम सेंटर आप रखा ओडिशा आप रही ब्रह्मपुर रही बालेश्वर रही भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर यही जगह आपंकर एग्जाम सेंटर आप रखा। एग्जामिनेशन आप सिलेक्शन केमी कर एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली द पोस्ट ऑफ हविलदार। आपंकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप जो आप सिलेक्शन करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कर आ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप हविलदार पोस्ट पे आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हम हिंदी इंग्लिश छाड़ा 13 रीजनल लैंग्वेज आप एग्जाम होड़िया भी रही ओडिया भी आप एग्जाम देपारे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप जो रोक 2टा सेसन रोक। फर्स्ट सेसन में आपंकर न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन आसो 60 मार्क 45 मिनट आपको टाइम ड्यूरेसन दिया जाए। जब आप स्क्राइब ने स्क्राइब जब आप नौते हैं तो आपको 60 मिनट आपको टाइम दिया जाए।
रिजनिंग एबिलिटी रु एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रु 20 क्वेश्चन 60 मार्क रहइबो सेंट आपन सेशन 2 रु आपन जनरल अवेयरनेस रु 25 क्वेश्चन 75 मार्क रो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन रु 25 क्वेश्चन 75 मार्क रो सेते भी आपन 45 मिनट आपन टाइम दिया जइबो तापर आपन रिटन एग्जाम से क्वालीफाई करले तापर आपन फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट को आपन डका जइबो एटे आपन सिलेबस दै जो तो आपन क्वेश्चन एस्पेक्ट आपन सिलेबस दै सिलेबस ता आपन भलभाबे चेक आउट करनेबे ई नियुक्ति साइट विजिट करी आपन सिलेबस ता भी आपन डाउनलोड करि पारिबे फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट आपन रहइबो वर्किंग आपन करिया पडिबो 1600 मीटर इन 15 मिनिट्स 1600 मीटर आपन 15 मिनिट्स आपन कंप्लीट करिया पडिबो मेल कैंडिडेट पई फीमेल कैंडिडेट पई गोटे किलोमीटर को आपन 20 मिनिट आपन कंप्लीट करिया पडिबो तापर रहला आपन फिजिकल सेना स्टेट ता आपन हविलदार पोस्ट पई जो माने हविलदार पोस्ट पई अप्लाई करबे समान कर फिजिकल सेना टेस्ट आपन करा जइबो मेल कैंडिडेट पई आपन जो हाइट आपन दरकार 157.5 सीएम होतबा दरकार जदि आपन शेड्यूल ट्राइब आपन अछन तले आपन को 5 सेंटीमीटर आपन रिलैक्स करा जइबो चेस्ट साइज आपन 81 होतबा दरकार मिनिमम आपन 81 होतबा दरकार और एक्सपैंड रे आपन 5 सीएम रे आपन डिफरेंस आस्तबा दरकार सेमते आपन फीमेल मान हाइट आपन 152 सीएम रखा हाइछि जदि आपन शेड्यूल ट्राइब आपन बिलोंग करथल तबे 2.5 सीएम आपन रिलैक्सन मिल जइबो वेट आपन 48 केजी आपन वेट आपन रखा जाइछि आउ जहाँ जहाँ सब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही भल भाव सब आप चेकआउट करेंगे जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लैंग्वेज चूज करेंगे लैंग्वेज कोड भी आपको देखिए आप चेकआउट करेंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी हविलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन वैकेंसी आप चेकआउट करेंगे कौट आपके वैकेंसी चेकआउट करेंगे ये आप रीजन वाइज आप वैकेंसी आप रीजन वाइज आप वैकेंसी आप चेकआउट करेंगे ओडिशा पे आप जो वैकेंसी रही 45 पोस्ट आप वैकेंसी रही टोटल आप 45 पोस्ट वैकेंसी रही है रीजन वाइज आपड़ी जो रीजन में अप्लाई करेंगे रीजन में कैसे पोस्ट वैकेंसी रही कौ कैटेगरी पे आप चेकआउट करेंगे ये आप पीडीएफ देखते हैं पीडीएफ आप ई न्यूज साइट डॉट इन विजिट कर आप रीजन जो आप वैकेंसी रही है डाउनलोड कर भल भाव चेकआउट करेंगे इलेक्शन कमिशन तरफ एमटीएस पोस्ट और हविलदार पोस्ट वैकेंसी विषय में आपको डिटेल्स में कही सारी जदि आप मन में किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारंतु ए भिडियो आपको भल लगी ए भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सहित सेयार करूँ ए चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु धन्यवाद।